सो अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जहां हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म। ठीक है, हम हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे जैसे हमने ब्राजील वाइल्ड लाइफ में पढ़ा। ठीक है, आप जानते ही हो कि इंडिया इज रिच बायोडायवर्सिटी इन ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, जो रिलीजियस हो, रीजन हो, वाइल्ड लाइफ हो, क्यूजिन्स हो या कोई भी हो, वेजिटेशन हो, हर जगह पर वेरिएशन काफी ज्यादा है। सो इंडिया के वाइल्ड लाइफ में देखते हैं कि क्या बोला है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में मेगा डाइवर्स बोला है। मेगा डाइवर्स यानी कि काफी ज्यादा रिचनेस, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी, काफी ज्यादा वेरिएशंस। ठीक है, देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में हमारे इंडिया में एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, देन वन हॉर्न राइनोसॉरस, आपने इनके बारे में भी सुना है, आर फाउंड इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ द असम। असम के स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड में, ठीक है, हमारे वन हॉर्न राइनोसॉरस भी पाए जाते हैं। जैसे मार्शी लैंड में जैसे हमने एनाकोंडा देखा था ब्राजील में, वैसे यहां पर क्या है, वन हॉर्न राइनोसॉरस। ठीक है, देन वाइल्ड एश एंड कैमल आर फाउंड इन स्नो कैप्ड रीजन ऑफ द हिमालयस। आप देख सकते हो कि हर पर्टिकुलर जगह पर, हर पर्टिकुलर फिजियोग्राफी पे अलग अलग यहाँ पर वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन बाइसन्स, डियर, एंटीलोप्स एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। ठीक है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर टाइगर एंड लायंस बहुत काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू द ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो मेरे पास यहां पर आपकी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, आपके अच्छे के लिए, मेरे पास यहां पर फोटोज भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हो एलिफेंट्स ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको ये दिखेंगे। वन हॉर्न राइनोसॉरस जो कि स्वैम्पी रीजन्स में आपको देखने मिलेंगे, दलदल में, ठीक है, या पानी में। यू कैन सी वाइल्ड एश एंड कैमल। ठीक है, आप देख सकते हो कैमल के बारे में आपने सुना भी है, देखा भी है। इंडियन बाइसन्स, एंटीलोप्स, ठीक है, तो ये थे हमारे एनिमल्स, है ना, इंटरेस्टिंग। इंडियन एनिमल्स में आप खुद को भी देख सकते हो। ओके, सो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कंटिन्यू करते हैं। रिवर्स, एश्यूरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड गेवियल्स। ठीक है, गेवियल्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, हमारे इंडियन रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं हमारे, ठीक है, एश्यूरीज है और जितने भी कोस्टल एरियाज है, इनमें काफी ज्यादा हाई प्रोपोर्शन में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड गेवियल्स देखने मिलते हैं। इसलिए कोस्टल एरियाज में इन्हें होम कहा गया है कि इन टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड गेवियल्स के लिए ये क्या है, एक होम है। ठीक है, द फॉरेस्ट एंड द वेटलैंड आर द शेल्टर ऑफ अ वैरायटी ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, फॉरेस्ट, वेटलैंड में काफी ज्यादा बर्ड्स, हमारे इंडियन बर्ड्स जैसे पीकॉक, ठीक है, इंडियन बास्टर्ड, किंगफिशर, किंगफिशर बर्ड है, पीसेंट्स, डॉग्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, ठीक है, पिजेंस, ये सारे देखने को मिलेंगे। ऑल दिस स्पीसीज, ओके, ऑल दिस स्पीसीज मेक इट अ लैंड ऑफ अ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये सारे स्पीसीज एक हमारे कंट्री को एक अपना ही अलग फीचर्स देते हैं, जैसे हमारे फिजियोग्राफी ने, हमारे कल्चर ने, हमारे रिलीजियस ने, हमारे रीजन, रेस जितने भी हैं, रिलीजियस वगैरह हैं, क्यूजिन्स वगैरह हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारे इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है, वैसे ही हमारे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स भी उतने ही चांद चांद लगा देते हैं। आप देख सकते हो टर्टल्स, सी, यू कैन सी टर्टल्स, यू कैन सी गेवियल्स, क्रोकोडाइल के फैमिलीज के से ही एक बिलोंग करते हैं, ये देखो इंडियन बस्टर्ड है ना, पैराकीट्स, ये आई अपीलिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब अट्रैक्टिव है, दे बहुत सारे डक्स, क्रेन्स, देखो क्रेन्स, यू कैन सी क्रेन्स, यू कैन सी डॉग, पिजन, पिजन को आप अपने सराउंडिंग में इजीली देख सकते हो, किंगफिशर, काफी शार्प और स्पीड होते हैं फिश पकड़ने के मामले में, अपने खाना पकड़ने में
ये काफी ज्यादा हुनर है इनमें। हर एक पर्टिकुलर पिजिन, हर एक पर्टिकुलर मतलब होते हैं ना कि एक एनिमल्स बर्ड्स के एक अपने ही यूनिक कैरेक्टर और फीचर है। बराबर, ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। वर्ज ऑफ एक्सटेंशन यानी कि दे आर रिस्क वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म। जैसे डायनासोर्स थे ना, खत्म हो गए, आज नहीं है डायनासोर्स, ठीक है। तो ये काफी सारे वाइल्ड लाइफ इवन हमारे ब्राजील में और हमारे इंडिया में भी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे है, यानी कि खत्म होने के कतार पे है। From India, because of the poaching, pollution and rapidly occurring of deforestation, for example, cheetahs, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ये? Because इसके पीछे का reason क्या है? Poaching, ठीक है, इन्हें पोच करके खाया जा रहा है, ठीक है। Pollution की वजह से हो रहा है कि कुछ birds वगैरह रेडियो एक्टिव के वजह से, रेडिएशन के वजह से ये जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। Then deforestation की वजह से, तो इनके वजह से क्या हो रहा है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जैसे चीता, चीता आज बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो अब क्या किया है, ये जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये जो बर्ड्स वगैरह जो हैं, ये जो हमारी नेचर की जो ब्यूटी है, ये जब खत्म हो रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ पर? सो यहाँ पर बताया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया, पार्क बनाया है, नेशनल पार्क बनाया है, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई है, ठीक है, बायो रिजर्व किया गया है, कुछ पर्टिकुलर लैंड को रिजर्व किया है सिर्फ एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। इनमें इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, रखा जाता है, इनकी देखभाल की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और इनको रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। बिकॉज ये हमारे कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यही हमारे कंट्री के जीडीपी को भी बूस्ट करेंगे टूरिज्म के मामले में, ठीक है। सो हम हमारे चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। इफ एनी डाउट रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट इन द चैप्टर, ठीक है, आप बेझिझक आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हमें पूछ सकते हो, मैं आप तक पहुंचूंगा और आपके सारे डाउट्स को मैं क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया। होप आप लोगों को चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है, आप लोगों ने इंजॉय किया हो। इफ एनी डाउट्स, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे पूछिए, ठीक है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में, जैसे हमने चैप्टर फिफ्थ कंप्लीट किया, हम आप बढ़ेंगे चैप्टर सिक्स पे, फिर हम जाएंगे चैप्टर सेवन पे, धीरे धीरे हम हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जाएंगे। आपको करना क्या है, वीडियोस देखना है और नोट्स बनाना स्टार्ट करना है भाई, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सो तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।